नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी स्विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, हैंडपम्प टेक्नीसियन परीक्षा 24 सितंबर को होना है और तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कम समय बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो आज हमारा ये पाँचवा नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो है छत्तीसगढ़ और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, जो छत्तीसगढ़ में जो हैंडपम्प टेक्नीसियन एग्ज़ाम निकला है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होता है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इस पर जो है यूट्यूब वीडियो में, और प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, 5-6 वीडियो, तो जितने प्रैक्टिस सेट हैं उसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 साधारण ब्याज में मैथ्स भी बन चुका है। और इसका जो पीडीएफ चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, या फिर GS विजन एकेडमी पूरा सर्च करेंगे आप, ये हमारा चैनल भी है और इसी में हमारा आपका जो है टेलीग्राम भी चलता है। तो GS विजन एकेडमी भी सर्च किया करें जब चैनल में आप देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो देखिए, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण जो है किस शासक ने कराया, तो ये 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन आपसे आते हैं तो ज़रूर कमेंट करके लिखा करें आप लोग। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण। अब देखिए, ये जो है दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम जो है, इन्होंने, इनके संबंध में और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी उपाधि धारण करते थे, तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे और महामंडलेश्वर का, ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ताम्रपत्र जो है, अमोदा ताम्रपत्र से पृथ्वीदेव प्रथम की जानकारी मिलती है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कहते हैं कि सर 40 क्वेश्चन कराया करें, तो हम हालांकि 20, 21 या 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये हमारा 50 से अधिक क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि ये भी अगर मिलाएं तो ये भी 2-3 क्वेश्चन यही हम कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे, तुम्बाड़ में इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लाफागढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला इन्होंने बनवाया, जिसमें प्रमुख 3 प्रवेश द्वार है, जिसमें पहला जो है मेनका द्वार है, तो ये मेनका द्वार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लाफागढ़ के चित्तौड़गढ़ किला का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन, सम्राट अकबर के दरबार में कौन शासक, छत्तीसगढ़ का कौन शासक 8 वर्षों तक कार्य किया? तो देखिए, वारेंद्र साय, तकर सिंह, राज सिंह, कल्याण सिंह। तो इसमें जैसे मैं ऑप्शन लेता हूँ, आपको आंसर भी आना चाहिए। आप भी टिक जरूर किया करें, कमेंट किया करें तुरंत डिस्क्रिप्शन में, सॉरी आप कमेंट सेक्शन में। यहाँ देखिए, 2 का जो है कल्याण साय, डी कल्याण साय। 8 वर्षों तक अकबर के दरबार में इन्होंने रहा, और इनके द्वारा जमाबंदी प्रणाली लागू की गई और गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिपाल देव, भोपाल देव, दरिया देव, अजमेर सिंह। तो करेक्ट जो आंसर होगा, देखो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दरिया देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना, सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दरिया देव के समय ही कोटपाड़ की संधि हुई, किसकी संधि हुई, कोटपाड़ की संधि, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आप अगर CGPSC पर नज़र डालें तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कब हुआ तो डेट भी कभी कभी पूछ ले जाता है, तो 6 अप्रैल 1778। दरिया देव का जो षड्यंत्र था, जिस कारण से अजमेर से हलवा जो विद्रोह हुआ था उसमें असफल हो गए थे, हार गए थे, पराजित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूबा शासन के सूत्रधार हैं? तो देखिए, सूबा शासन के सूत्रधार वेंकोजी भोसले, विट्ठल राव दिनकर, बीकाजी गोपाल, भवानी कालू। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, ये वेंकोजी भोसले जो है सूबा शासन के सूत्रधार थे। अब इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार बने, और ये क्वेश्चन आपके व्यापम में नजर डालें और PSC में तो पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक समय तक सूबेदार केशव गोविंद रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। महिपत राव प्रथम सूबेदार थे और केशव गोविंद जो है अधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहे। महिपत राव दिनकर कार्यकाल में ही, महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में ही, महिपत राव गए महिपत है, महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में ही यूरोपीय जो यात्री थे फॉरेस्टर, इनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये तीनों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो देखिए, राजकुमार कॉलेज की जो स्थापना है ये 1893 में हुई, और ये भी CGPSC में नज़र डालें तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमित्र मंडल की स्थापना हो गया, ये एक्चुअल में क्या है, सुमित्र मंडल है। सुमित्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराज मुंजे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर। सही जो आंसर है दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सुमित्र मंडल की स्थापना की गई। और कब की गई ये सुमित्र मंडल की स्थापना, तो 1906 में, ये डेट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रायपुर में कांग्रेस के एक शाखा की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो देखिए, ठाकुर प्यारेलाल, नंदलाल झा, CM ठक्कर, हरीसिंह गौर। सही आंसर होगा दोस्तों, CM ठक्कर के प्रयास से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लभरा जंगल विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था? गोंड, पिंजवार, बैगा, कोरवा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टिक करिए आप लोग भी, गोंड जनजाति द्वारा। ये गोंड जनजाति समुदाय लभरा जंगल विद्रोह किया गया था, इसके नेतृत्व करता थे अरिमर्दन गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ककसार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अबुझमाड़िया और CGPSC व्यापक में नज़र डालें तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति या अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है? अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवाह के अवसर पर गोंड जनजाति द्वारा की जाती है, गुड़ हो गया है, गोंड है ये, गोंड जनजाति द्वारा की जाती है, तो लारू काज किया जाता है। क्या किया जाता है? लारू काज। अब देखिए, लारू का अर्थ दुल्हा होता है और काज का अर्थ अनुष्ठान है। इसमें बकरा और सुअर की बलि दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़वा शिल्पकला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर, कोरिया। तो ये जो घड़वा शिल्पकला है, आप सभी जानते हैं, ये जो है दोस्तों बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और ये जो घड़वा शिल्पकला है, ये भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा बनाया जाता है, भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि रायगढ़ में झारा और सरगुजा में मलार कांस्य शिल्पकारों से संबंधित है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में काजू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बस्तर, रायगढ़, जसपुर, भिलाई। तो काजू अनुसंधान संस्थान जो है बस्तर में है, कहाँ पे है? बस्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रदेश के किस स्थान से मलबरी रेशम की प्राप्ति होती है? तो बस्तर, महानदी बेसिन, रायगढ़ और सरगुजा। तो ये जो मलबरी रेशम है, ये सरगुजा से प्राप्ति हो, इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? सरगुजा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरगुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सार्वजनिक धन का, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं क्वेश्चन, अब भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सचिव। तो सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है दोस्तों, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? मलिमत समिति, सेनाय समिति, रामानंद प्रसाद, BP मंडल आयोग। तो आपराधिक कानूनों में सुधार जो है, ये मलिमत समिति से संबंधित है। किस समिति से? मलिमत समिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, GV मावलंकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे, डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो नवगठित जो लोकसभा होता है, उसके जो प्रथम अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का उत्तम सुचालक, अब साइंस से देखते हैं, उष्मा का उत्तम सुचालक कौन है? तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। करेक्ट जो आंसर है चांदी। उष्मा का उत्तम सुचालक क्या होता है? चांदी होता है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, राइम। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सोकली,
गुटेनबर्ग मैडम क्यूरी। तो रेडियम की जो खोज है दोस्तों ये मैडम क्यूरी ने की थी। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपका। और अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। जरूर कमेंट किया करिए क्योंकि जब आप कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट, स्टीफंस, मार्कोनी, रदरफोर्ड। तो इस चारों में से जो भी आंसर है पूरा लिख करके कमेंट करें। ए है तो ए के साथ पूरा जो फारेनहाइट लिखा है वो पूरा लिख करके आपको कमेंट करना है। जो भी आंसर आता है उसका कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। आज की वीडियो से विदा लेते हैं, नए वीडियो मिलेंगे नए दिन में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, पुनः शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद जय भारत।